Hello friends, welcome to Study Ahead. Today's topic is Customer Relationship in Marketing. What is Customer Relationship? Customer Relationship is a strategy कि हम नए customers को कैसे acquire करें, पुराने existing customers को कैसे retain करें और उनके बीच हम अपनी brand loyalty कैसे build करें. ये एक ability है to interact with each customer uniquely. हर customer के साथ uniquely interact करना उस कस्टमर्स की वांट्स, नीड्स और प्रेफरेंसेस को समझ के आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स नीड एंड प्रोवाइडिंग देम रेंज ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स को हम कस्टमर रिलेशनशिप इन मार्केटिंग कहते हैं. व्हाट इज कस्टमर रिटेंशन? कस्टमर रिटेंशन इज फर्स्ट स्टेप इज कस्टमर वैल्यूएशन. कस्टमर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी, उनको कैटेगराइज करना अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक वैल्यू. सेकेंड वन, कैलकुलेशन ऑफ कस्टमर रिटेंशन रेशियो. हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितने कस्टमर्स हमारे पास साल की बिगनिंग में थे विच आर स्टिल अवर कस्टमर्स बाय द एंड ऑफ द ईयर. तो दिस इज नोन एज कस्टमर रिटेंशन रेशियो. अगर कोई कस्टमर्स हमें छोड़ के दूसरी कंपनी के पास चले जाते हैं तो वो रीजंस फाइंड आउट करने कि वो हमें छोड़ के दूसरी कंपनी के पास, हमारे कंपेटिटर के पास क्यों गए. सो डिटर्मिनिंग द रीजंस फॉर डिफेक्शन. लास्ट स्टेप इज डिवेलप एंड इम्प्लीमेंट अ करेक्टिव प्लान. जो भी हमने रीजंस फाइंड आउट किए वो दोबारा से रिपीट ना होए, उसके लिए हमने करेक्टिव प्लान डेवलप करना है और उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है. नेक्स्ट इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप इन मार्केटिंग. दीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल. शॉर्ट टर्म गोल इज टू अचीव अ डिग्री ऑफ फंक्शनैलिटी ताकि हमारी जो रिलेटिव कस्टमर रिलेशनशिप है उससे हायर मार्केटिंग कैंपेन रिस्पॉन्स रेट्स आए और ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन आए. लॉन्ग टर्म गोल है अपने कस्टमर्स के साथ सक्सेसफुली एंगेज होना कंसिस्टेंटली, विच लीड्स टू हाई डिग्री ऑफ कस्टमर लॉयल्टी एंड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ओवरऑल ब्रांड इक्विटी. नाउ व्हाट आर द बिजनेस बेनिफिट्स ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग? फर्स्ट वन इज हायर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. आपके जो कस्टमर्स हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपके साथ अटैच रहते हैं. रिडक्शन इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स. आपके जो लॉन्ग टर्म कस्टमर्स हैं वही इनिशिएट कर देते हैं वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशंस, जिससे आपके मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंडिचर्स कम हो जाते हैं. स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशनल अलाइनमेंट अराउंड द कस्टमर्स. सारी ऑर्गेनाइजेशन हर कस्टमर की यूनिक वांट्स एंड प्रेफरेंसेस के अराउंड घूमती है. लेसर इंक्लिनेशन ऑफ कस्टमर्स टुवर्ड्स स्विचिंग टू कंपेटिटर्स. आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो सोचते भी नहीं कि वो स्विच होएं आपके कंपेटिटर्स के पास जाएं, बिकॉज दे आर लॉयल टू योर कंपनी. देन दिस कैन लीड टू एन इंक्रीज इन सेल ऑफ एंसिलरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. आपके जो रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी सेल बढ़ सकती है. लॉन्ग टर्म कस्टमर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, दे कैन इनिशिएट वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशंस एंड रेफरल्स, जिससे अगेन आपके मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स कम हो सकते हैं. हाउ कैन वी बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी? कस्टमर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करिए थ्रू ईमेल, न्यूज़लेटर, मंथली फ्लायर और एनी फेसबुक, एनी व्हाट्सएप, एनी मैसेज, एनी SMS. कस्टमर सर्विस, गो टू एक्स्ट्रा डिस्टेंस एंड मीट योर कस्टमर एंड टेल योर स्टाफ टू डू द सेम. अगर आपको कहीं दूर भी चल के जाना पड़े आपको कस्टमर को ग्रीट करने के लिए स्पेशल ओकेजन्स पे, तो ज़रूर जाइए. एम्प्लॉय लॉयल्टी, कुछ ना कुछ देते रहिए अपने एम्प्लॉयज़ को, जिसके साथ एम्प्लॉयज़ लॉयल रहें. अगर एम्प्लॉयज़ लॉयल होंगे तभी आपके कस्टमर्स लॉयल होंगे. एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज़ को टाइमली ट्रेनिंग दीजिए ताकि वो कैसे कस्टमर्स के साथ रिलेशंस मेंटेन कर सके. प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू कस्टमर्स, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम्स देते रहिए और आपके जो नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं उनके बारे में भी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन उनको टाइमली देते रहिए. देन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्लेक्सिबल टू हैंडल द कस्टमर्स कंप्लेंट. ये नहीं कहना कि दैट्स आर पॉलिसी, ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम इसके बाहर नहीं जा सकते. कुछ एक्स्ट्रा स्टेप लेके भी उनकी कंप्लेंट्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए. हाउ कैन वी बिल्ड रिलेशनशिप अमंग अवर कस्टमर्स? फर्स्ट इज
product and service bundling. This strategy involves combining several products and services into a package और उनको फिर एक पैकेज बना के एक ही सिंगल प्राइस पे अपने कस्टमर्स को सेल करना है. सेकेंड इज क्रॉस सेलिंग. ये एक स्ट्रैटेजी है ऑफ सेलिंग रिलेटेड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स टू करंट कस्टमर्स. क्या रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपके आ रहे हैं, रिलेटेड सर्विसेज हैं, तो वो आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सेल कीजिए. क्रॉस प्रमोशंस, डिस्काउंट्स दीजिए, प्रमोशनल इंसेंटिव दीजिए अपने कस्टमर्स को ऑफ रिलेटेड सर्विसेज. देन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लॉयल्टी प्रोग्राम्स फॉर योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स. देन हर कस्टमर्स की नीड्स का, प्रेफरेंसेस का सिंगल एंड यूनिकली ध्यान दीजिए. मल्टी चैनल कैंपेन ऑटोमेशन, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इसके थ्रू सारे चैनल्स यूज करके अपने कस्टमर्स को ऑटोमेट कीजिए, उनको अप टू डेट इंफॉर्मेशन देते रहिए. नेक्स्ट द लास्ट टॉपिक इज डिजाइनिंग एन इफेक्टिव कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग. सेटिंग अ क्लियर कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रैटेजी. कुछ अच्छा एक्सपीरियंस दीजिए अपने कस्टमर को. जब आप अच्छा एक्सपीरियंस देंगे अपने कस्टमर को, तभी वो आपके साथ रिटेन होके रहेगा, आपके साथ लॉयल होके रहेगा. तो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है वही आप अच्छा बना दीजिए अपने कस्टमर के लिए. सिलेक्टिंग द करेक्ट पीपल, सही एम्प्लॉयज सिलेक्ट कीजिए, उनको ट्रेन कीजिए, डिवेलप कीजिए, मोटिवेट कीजिए और उनको इंसेंटिव देके ऐसे मैनेज कीजिए ताकि वो अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना सकें. एस्टैब्लिशिंग इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी प्रोसेस. जो आपका प्रोडक्ट और सर्विस का डिलीवरी प्रोसेस है उसको इफेक्टिवली डिज़ाइन कीजिए, एस्टैब्लिश कीजिए, ताकि कस्टमर्स को अगर इन हाउस डिलीवरी भी चाहिए तो आप उनको होम डिलीवरी भी प्रोवाइड कर सकें. बिल्डिंग इन कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट अपने सारे प्रोसेसेस में, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो डिज़ाइनिंग है, चाहे डेवलपमेंट है, चाहे डिलीवरी प्रोसेस है, उसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहिए. लास्ट वन, इंश्योरिंग द मैनेजर्स एज द की चेंज एजेंट्स. जो कंपनी के मैनेजर्स हैं वही की चेंज एजेंट्स हैं, वही चेंज लेके आ सकते हैं और आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, रिटेन करना और लॉयल बनाना मैनेजर्स के ही हाथ में है. सो इंश्योर कि मैनेजर्स आर द चेंज एजेंट्स इन योर कंपनी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कस्टमर रिलेशनशिप इन मार्केटिंग. इफ यू हैव एनी क्वारी और एनी सजेशन, काइंडली ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब टू